विजुअल में है ही है, मतलब जो बोलते हैं जो करके करके दिखाते हैं और वही चीज़ इंप्लीमेंट करते हैं, कहीं दिखावा नहीं है। मतलब आज किसी ने अपने पास आमदनी बढ़ गई तो दिखावा के लिए कहीं पे डोनेशन किया, वैसे नहीं है। जो है मतलब रियल स्टोरी है लाइफ, और ये अपने को अपनी स्टोरी दिखती है। या तो हमने लाइफ में कुछ नहीं किया तो इनकी मूवी देखकर हम कुछ करने की कोशिश करें। Studio in Gurgaon and I'm from Singapore, Hong Kong, Philippines. I've been to Africa, so today was very interesting story. I came back into the past history, which is new history now. Is Rizwan Aradhya name I heard, I didn't know much about. Congratulations. Very nice movie, very interesting, and I know much about Africa. I heard these stories, but in reality I saw today all the African story, how Indians went there making money and business. But good thing I noticed was charity work done by him as a great foundation he started. Congratulations to him. My name is Subhisa, I'm Miss Universal Peace. It was really nice, and I loved everything about it. But the most important thing is that it was total positive. So you always think positive, and you can achieve anything in your life. So that's the motto of this film. So thank you so much, and congratulations, all the best. Thank you. एक्चुअली मैं फोटोग्राफी करता था और उन दिनों से जाता था। आज उनकी उनकी फिल्म देखकर बहुत और बहुत अच्छी लगी मुझे। इतना सोशल कॉज और सारी चीज़ें देखना और अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। मुझे लगता है कि हर किसी को देखनी चाहिए हर चीज़, समझ में आएगा कि किस तरीके से बनी है, किस तरीके से लोगों को मदद करनी चाहिए। एंड अगर पैसे हैं तो उसका राइट वे में इस्तेमाल किया जाए, राइट लोगों को मदद किया जाए। और मैं तो सीरियसली जो मेन इंसान है जिनके ऊपर मैं चढ़ रही हूँ उनको मिलना चाहूँगा। इतने अच्छा काम करने वाले इंसान सच में बहुत कम होते हैं। एंड बस इट इज लाइक really good to be here. Thank you so much. Honestly speaking, I came to see a movie for a while. And very honestly, इस फिल्म को देखने के बाद आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय रिजवान भाई। राजीव भाई को मैंने कहा कि मुझे उनसे मिलने वाला कल ही आ रहे हैं। एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, अ वेरी नाइस बायोपिक। एंड आई विश टू मीट रिजवान भाई, कारण की कोई गांधी नहीं एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच, and I think everybody should meet him. कैसी फिल्म, कैसी धमाल मचाने वाली है, क्या लगता है जब सिनेमाघरों में लगेगी, किस तरीके का आपको फीडबैक? बहुत इंस्पायर करता है इस आदमी का जो पूरी व्यक्तित्व जो इनकी है। मैं देखकर लाइक जब खत्म हुआ इनकी जो फोटोग्राफ देखी और उन्होंने जो काम किया है उससे ऑनेस्टली इंस्पायर करता है। उनको अंदर से एक एनर्जी मिलती है। And this energy, I think, will remain for a very long time. And I really look forward to meeting this one by tomorrow. Thank you very much. And thank you very much, Rajiv, for inviting me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A solid inspiration. संजय भाई हेलो, मेरा नाम है हरिकृष्ण दवे, गुजरात की फिल्म कर रहा हूँ, गुजराती फिल्म कर रहा हूँ। कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं। हाउ वाज मूवी सर? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा मैसेज दे रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई मूवी है। ऐसी मूवी बहुत कम देखने को मिलती है। एक्चुअली में हमारे हिंदी में काफ़ी सारे लीडर्स पे फिल्में बनती हैं, जैसे गांधी जी, लेकिन ऐसे सोशल जो एक्टिविटीज हैं, सोशल एक्टिविटीज करते हैं उन पर बहुत ही नहीं के बराबर होगी। तो हमें पता ही नहीं कि इनके अलावा और भी हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे हीरोज हैं, अभी भी है हमारे बीच में। तो ऐसी मूवी के द्वारा हमें जानने को मिलता है कि उन्होंने कैसे कैसे सोशल एक्टिविटीज़ की और वो क्या क्या कर रहे हैं। बहुत अच्छी, थैंक यू।
सीखना मतलब मूवी इटसेल्फ ही बहुत बड़ा मैसेज है कि आप कितना हो सके उतना दूसरों को कितना हेल्पफुल हो सकते हो, आपके साथ कितनी भी गलत परिस्थितियाँ हुई उसके बावजूद भी उसमें से उसके ऊपर उठ के आप कितने लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हो, यही बड़ी सीख है। Thank you very much. I am Jagdish Limbashi. I am the video content manager for Times of India, WWM division. I handle the film fair and another 9 brands. And I was invited by Mr. Hajubhai from Sun Gold Entertainment for this video. I would like to say that this movie has a very strong message of not having money as a criteria. It has to be like, I would say, in the 3 H's of being human, have a great heart, and being humble to everyone. It was a nicely made movie, well edited, and I would say a very good congratulations to all the staff, and all the best to get into whatever the category they want to. Thank you. I have not analyzed this film basically. There are so many better films I have come across. But I have not come across a better life of anybody than this person. I am not here to judge the film. I am here to watch the life of a gentleman. In true sense, 100% true and clean hearted. Gentlemen, the biggest thing I would say is up and down जाने के बाद इतने downfall को भी इतनी आसानी से लेना and then again to climb a ladder reaching better success and better heights than what he was, it shows courage, clean heartedness, honesty, pace, which is a typical Hindu संस्कृति. Rizwan is typical Hindu संस्कृति. I am not mentioning Muslim or Hinduism that way. I would say typical of Indian संस्कृति. He is a representative of our ancient Indian culture. We always God, Allah, He is Khoja, I suppose, तो आगा खानी जो भी कुछ हो they are with you. That is the best part, which I find बहुत पसंद आया and it is very motivating and बहुत encouraging है for the youth and everyone. And the best part I like about the film कि हर age group के लिए है, not only the youth but also at any age you can see the film and get inspired. And I really want to meet Rizwan sir. So I totally stand whatever she said. It's very motivating, very inspiring. At the same time, you know, at this point in time, everyone should learn two, three major things which I learned from this movie is, one, when you want to do something for society, when you create value for society, that adds to your success. So for me, I learned one thing ki service is more important. In terms of money, it's not that important. Success will follow. But what you are providing to people, service, is the main success. So money will automatically follow. And the second thing, intentions. Your thought process, intention is very important. When you intend to do very good for others, automatically everything, you know, follows. So this movie is like biggest example for youth to follow all these teachings, because अभी तक तो सुना ही था, but this movie is the perfect example कि all these are rules which you need to follow. Follow in the sense intentions, thoughts, or if you want to do seriously something for others, everything you just follow. मतलब universe conspires. Everything for you. Law of attraction. Absolutely. So this movie is like Vyadhi Nati. Vyadhi Nati. Vyadhi Nati. So I love it. So I'm so proud of whoever, all the makers, producers.
because it needs courage to, you know, to do something, to do something like this. Everyone is after, you know, छोटे छोटे ऐसे subjects में जा रहे हैं जिसमें कोई value create नहीं हो रही. By this subject we are seriously creating something for society and youth which seriously need guidance. कि हमें exactly क्या करना चाहिए, क्या follow करना चाहिए. सब लोग rules बताते हैं लेकिन जब ऐसे फिल्में देखते हैं ना तो exactly पता चलता है कि हमें हमें अपने intentions पे काम करना है. सिर्फ intentions पे काम करेंगे, सब कुछ follow करना है. Thank you so much. All the best. Obviously, बढ़िया ही थी और जो चीज सोसाइटी के हिसाब से बनाई है ये रिजवान के हिसाब से बड़ी बड़ी मूवी रिलीज हुई है. पर जो मेन चीज दिखाई है कि भाई जो बंदा टूट जाता है वो वापिस दो बार तीन बार खड़ा हो जाता है और वही मेन चीज दिखाई है उसमें कि आप कितना भी टूट जाओ पर हार नहीं माननी चाहिए. तो वो चीज मेन है कि आप लगातार उसमें लगे रहो तो पता नहीं जगह आप आगे बढ़ोगे 100% आगे बढ़ो. और ये अलग सिटी में जाके कर रहे हैं. मेन चीज़ तो वो है कि जो बंदा पोरबंदर में रहता है उसका घर में आने के लिए इतना फैल गया क्योंकि वो बंदा इतने लेवल पे आगे आया, दूसरी सिटीज में गया, दूसरे उसके फ्रेंड्स को बुलाया, एक 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 करके पूरी लोगों ने खुद का एक मुकाम कर दिया. तो उसके हिसाब से मैं एक कहना चाहूँगा कि एकता होनी चाहिए साथ में तो आप कुछ भी कर सकते हैं. और एक फाउंडेशन के हिसाब से वो भी एक है कि भी चलो आप आगे जाओगे 100% वो गारंटी है. जो चीज़ दिखाई है बहुत वो है कुछ भी करो मतलब आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है. और एक अच्छी बात है जो अपनों ग्रुप में लेके फिर होंगे तो सबको लेके आगे बढ़ रहे हैं वो भी अच्छी बात है. और जो उसने सपने देखे थे उसे पूरे किए, जितने बार टूटे उतने बार खड़े होके जहाँ उसको पहुँचना था वहाँ तक पहुँचे. बहुत अच्छे. थैंक यू. हेलो, मैं अजय और मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का है. राइट नाउ आई एम एन एक्टर. मैंने फिल्म देखी युवान जी की, बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत लोगों की ज़िंदगी ये बना सकती है बेसिकली और इंस्परेशनल है. और मैं भी ये चाहूँगा कि सब लोग अच्छा करें और अच्छा करते हुए ये नहीं कि बस बहुत बड़ा कर लिया, बहुत पैसे हो गए तो बस इसमें जी रहे. नहीं, बहुत अच्छा काम कीजिए, लोगों को आगे बढ़ाइए, सबकी मदद कीजिए. ये बेसिक होना चाहिए जो इस फिल्म में है. बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखिए और सब सीखें, सब बढ़े, सबकी मदद करें. थैंक यू. इट वाज अमेजिंग. आई लव्ड इट पर्सनली एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी हार्ट टचिंग एंड मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने के मिली. थ्री थिंग्स आई वुड लाइक टू मेंशन. ड्रीम मेकिंग इंस्पायर्ड एंड नेवर गिव अप. मूवी बहुत ही अच्छे हैं और वेरी इंस्पायरिंग है. एंड मुझे नहीं पता था कि ये ट्रू स्टोरी होगा पर एनी वे इट वॉज वेरी वेरी हार्ट टचिंग एंड व्हाट आई लर्न्ड वाज लाइक बी पॉजिटिव एंड लाइक दे सेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड टेकिंग व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आप जैसा कहोगे वैसा पाओगे. That was the best sick I ever. And be tension free. Vyadhi Rati. Shukar Chhi Vyadhi Rati. I really love it. Thank you. बहुत ही बढ़िया लगी. मैं भी मेरे पास बहुत अच्छा नहीं बनी थी लेकिन एक अनबिलीवेबल जर्नी एक इंसान की देख के अच्छा भी लगा. आंखों में पानी भी आ गया कुछ चीज़ें देखकर के बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. द मूवी वॉज रियली फैंटास्टिक एज यू कैन सी विद द नेम अ ट्रू स्टोरी. मतलब इस मूवी में अगर आपने देखा होगा तो इज एंटायर लाइफ रिजवान सर की पूरी लाइफ जो उन्होंने स्टार्ट की उनके चाइल्डहुड से जो उनका ड्रीम था जो उनका बिजनेस करना था उसके साथ उनका एक थॉट भी था कि वो बिजनेस भी करें और उसके साथ लोगों की हेल्प भी हो. सो वो स्टोरी उन्होंने कंटिन्यू की अपनी लाइफ में. यू कैन सी द एंड उनकी जितनी फाउंडेशन है और जहाँ जहाँ वो लोगों को हेल्प करते हैं. इट्स अ ट्रू स्टोरी. मतलब हम लोगों को इंस्पायर होना चाहिए. हम हर दिन हम लोग काम करते हैं बट कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है
कि आज हम वी आर ऑल वर्किंग वी आर डूइंग बिजनेस वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पीछे एक चीज छूट जाती है वो है कि हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते. सो देयर हैज टू बी दैट थॉट कि आज हम जो भी कर रहे हैं वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपने से गरीब लोगों की कोई हेल्प करें या ऐसे कोई फाउंडेशन की हेल्प करें जो उन लोगों के तक वो अपनी चीजें आगे ले जाए. सो इट्स अ वेरी गुड मूवी, आई थिंक हम सब लोगों ने देखनी चाहिए एंड इट्स एन इंस्पिरेशनल मूवी. और हर किसी का थॉट यही होता है कि यू नो वी नीड टू हेल्प ईच एंड एवरीवन एंड बस उसी थॉट को लेके आगे पूरी मूवी चली. इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ रिफ्रेशिंग मूवी और काफी टाइम तक हम लोग बायोपिक मूवीज देखते हैं जिसमें काफी फिक्शन ऐड किया जाता है, बट इसमें ऐसा कोई फिक्शन ऐड नहीं किया हुआ है. इट्स अ कंप्लीट रियल स्टोरी, मतलब आप देखोगे तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि एक एक रेगुलर इंसान जो जिसके पीछे इतना कोई सपोर्ट नहीं था, ही स्टार्टेड ऑन हिज ओन एंड इस लेवल पे जाने के बाद भी सो डाउन टू अर्थ. मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा द वे इट्स बीन डन. आई थिंक आई शुड गिव द फुल क्रेडिट टू द एंटायर टीम और द वे दे हैव डन दिस मूवी. मतलब कहीं पे भी आपको बीच में कोई गैप नहीं मिलता, इट्स अ वेरी कंटिन्यूस मूवी और हर जगह पे आपको ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग न्यू हैपनिंग एवरी टाइम. सो इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड ऑल द बेस्ट टू राजीव सर. मैं इनके साथ बहुत सालों से जुड़ा हूँ एंड वी वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इट्स अ नाइस मूवी. थैंक यू.